Hello students, in this video we are going to learn about how to measure an angle in xy plane. xy plane mein ek angle ko kaise measure kiya jaye. To angle ke measurement ke liye hame seedhe do convention follow karne hain. xy plane mein agar aap angle measure kar rahe ho to humko do conventions follow karne hain. Pehla hai all angles are measured from positive x axis. जितने भी angle हम measure करेंगे positive direction of x axis से ही measure करेंगे. और दूसरा है angles measured anti-clockwise are positive and clockwise will be negative. मतलब अगर हम positive direction of x-axis से angle measure करेंगे, मान लेते हैं एक point यहाँ पर है, हमें बताना है कि ये point कितने angle पे lie करता है. तो इसका मतलब है हम इसको origin से ऐसे connect कर देंगे. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल मेजर करेंगे, ये थीटा हो गया. और जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में. घड़ी इस तरीके से चलती है और एंगल उल्टा चलता है. तो एंगल उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में सही पॉजिटिव होता है और घड़ी की डायरेक्शन में निगेटिव होता है. मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इस पॉइंट की लोकेशन आप क्या बोलोगे, कितने एंगल पर है, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री पर. लेकिन अगर इस पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव एंगल होगा. अगर ये इसकी वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो इस पॉइंट की पोजिशन क्या हो गई, माइनस 30 डिग्री पर. तो इधर हो गया आपका जीरो, इधर वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. कैसे, यहां से शुरू किया आपने टर्न करना, यहां पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री टर्न हो चुका है. यहां से शुरू किया टर्न होते 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 यहां पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री. इस तरीके से आप एंगल मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और वहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जीरो है, इधर माइनस 90, माइनस 180 और ऊपर माइनस 270, माइनस 360. अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो तो दैट एंगल विल बी कॉल्ड नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव. सो नाउ लेट्स फिगर आउट कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है. हमने अभी भी पढ़ा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग एंगल, और मेजर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्योंकि एक्स एक्सिस से ही शुरू कर रहे हैं इसलिए एक्स एक्सिस कहां लाई करता है, जीरो डिग्री पर. अगर हम वाई एक्सिस तक पहुंच जाए तो कितना एंगल कवर किया हमने, 90 डिग्री. मतलब वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका 90 डिग्रीज. सिमिलरली माइनस एक्स एक्सिस पे 0, 90, 180 डिग्रीज. माइनस वाई डायरेक्शन में 270 डिग्री, और यहाँ पे आपका जीरो डिग्री के साथ साथ आप इसको 360 डिग्री भी कह सकते हो. तो 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो रेडियन में कितना होता है ये 90 डिग्री, पाई बाय 2. 180 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई. 270 डिग्री इज सेम एज 3 पाई बाय 2. और यहां पे 0 डिग्री का मतलब तो 0 रेडियन ही हो गया, और 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो अगर आपने यहां से मेजरमेंट शुरू किया एंगल का तो क्या आया आपके साथ पास, यहां से आप यहां गए, यहां से 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री. मतलब
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री अप टू 89 डिग्री सब कुछ कहाँ है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आपका जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। आप इसको लिख सकते हो रेडियन के फॉर्म में कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। सिमिलरली यहां पर आपका सारे एंगल 90 और 180 डिग्री के बीच में लाई करेंगे, दैट मींस 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्रीज। और आप इसको रेडियन के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। एंड सिमिलरली इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्रीज। यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्रीज इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360 डिग्रीज, या फिर रेडियन के टर्म्स में पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग एंगल्स रहेंगे। अब आप कई बार फेस करोगे कि आपका जो एंगल है वो 360 डिग्री से बड़ा है, अब बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसको कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। सो नाउ वी नीड टू डिटरमाइन कि अगर आपका एंगल 360 डिग्री से बड़ा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, थीटा इज इक्वल टू 400 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 4120 डिग्री। कैसे सॉल्व किया जाए इनको, मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 400 डिग्री को सॉल्व करते हैं। पहले 400 डिग्री का मतलब क्या हुआ, देखिए शुरू तो आप करोगे एक्स डायरेक्शन से ही, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही आपने मेजरमेंट शुरू किया, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। तो घूम के जब आप वापस से एक्स एक्सिस पे आ गए तो कितना एंगल हुआ, 360 डिग्री। बचा हुआ कितना एंगल है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आप और आगे गए तो बेसिकली 400 डिग्री कैसा हो गया, पूरा घूम कर वापस से 40 डिग्री आगे पहुंच गए, दैट मीन्स ये वाला एंगल। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिस पॉइंट या दिस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका थीटा इज इक्वल टू 400 डिग्री। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, आप इस 400 डिग्री को डिवाइड करिए 360 डिग्री से, 400 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, ये आ गया 360 डिग्री, रिमाइंडर बचा कितना 40 डिग्री। तो ये जो 40 डिग्री रिमाइंडर है वही एंगल आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर आ रहा है 1 इट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि आप कितनी बार कंप्लीट राउंड घूमे हो। 400 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 कंप्लीट राउंड प्लस 40 डिग्री। तो इसीलिए हमने एक अगला एग्जांपल लिया 4120 डिग्री। अगर मेरे पास 4120 डिग्री हो और मुझे निकालना है बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 360 डिग्री से, क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ आ गया 360, बचा कितना 52, तो 520 डिग्री हो गया। फिर से 1 आया 360 डिग्री, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 160 डिग्री। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 4120 डिग्री के लिए, 160 डिग्री। और ये 11 क्या बता रहा है, ये 11 बता रहा है कि हम 4120 डिग्री तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 बार घूम गए तो यहां पे पहुंच गए। उसके बाद 160 डिग्री बचा हुआ रहा, तो 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री इधर 180 डिग्री। हाँ, 160 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम 11 बार घूमने के बाद कौन से क्वाड्रेंट तक पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4120 डिग्री, इट इज सेम एज 160 डिग्री एंड देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट।
तो 4120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. नाउ सिमिलरली यू कैन फेस क्वेश्चंस लाइक कि एंगल अगर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में, नेगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, ये बताना है. तो देखते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं. थीटा इक्वल्स टू लेट्स से -400 डिग्रीज. अगर मेरा एंगल -400 डिग्रीज है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये देखते हैं. माइनस मतलब उल्टा घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है. तो हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं. 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. ये कंप्लीट राउंड हो गया, 360 डिग्री हो गया. अभी 40 डिग्री और घूमना है, क्योंकि हमारा कितना एंगल है, -400 डिग्रीज. तो 40 डिग्री और घूमे तो कौन से क्वाड्रेंट में आए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए. तो -400 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में -400 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. +400 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. और -400 डिग्री है फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर आपका थीटा मान लेते हैं 3260 डिग्रीज है लेकिन नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये निकालना. अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपको सेम टेक्निक लगानी पड़ेगी. 360 डिग्री से डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकालिए एंड देन सॉल्व. तो अभी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को छोड़ देते हैं. क्या बचा हमारे पास, 3260 डिग्रीज. 3260 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360. कैसे डिवाइड करेंगे आप, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 3240. तो आपका रिमाइंडर बच गया कितना, 20 डिग्रीज. तो 9 कंप्लीट राउंड्स हैं, उसके अलावा 20 डिग्रीज और है, पर कौन सा, नेगेटिव वाला. इसलिए -3260 डिग्रीज कैसे मेजर करोगे आप, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, 9 राउंड्स कर लिए आपने, वापस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बैठे हुए हो. लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए आप घूम कैसे रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो. तो 9 राउंड्स कंप्लीट कर चुके हो, अभी 20 डिग्री और घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहीं पहुंचे आप फिर से, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर मैं थीटा इज इक्वल टू -4160 डिग्री कर दूं, इसका क्वाड्रेंट मुझसे पूछा जाए तो ये कैसे निकालूंगा मैं, तरीका सेम. क्या करेंगे, माइनस को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, 4160 डिग्री के बारे में बात करते हैं. तो 4160 डिवाइडेड बाय 360. यहाँ पे फिर से मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो आ गया 316. बचा कितना, बचा आपका, सॉरी 360 आया, बचा कितना, बचा आपका 560 हो गया. फिर से 1 से डिवाइड किया, 360 आया, रिमाइंडर आ गया 200. तो 4160 को 360 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 200. लेकिन क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस में 200. 11 बार घूमे हम, 1 2 3 4 उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है. उल्टी डायरेक्शन में 11 बार घूमे और उसके बाद 200 डिग्री और घूमना है अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में. तो 11 बार घूमने के बाद और घूमते हैं 200 डिग्रीज, 90 180 एंड 20 मोर, ये हो गया -200 डिग्रीज. तो कौन से क्वाड्रेंट में आया ये, फर्स्ट सेकंड. ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट. इस तरीके से कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है आप निकाल सकते हो, उसको 360 डिग्री से डिवाइड करके. सिर्फ रिमाइंडर के बारे में बात करना है आपको.